हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रांसपेरेंट बोटनेक क्रॉप टॉप की कटिंग और सिलाई किस तरीके से करें, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहना हुआ है। इसकी मैं पूरी प्रॉपर कटिंग और सिलाई स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट से देखिएगा। अगर आपको इसकी लहंगे की कटिंग देखनी है तो मैं उसकी लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ देखिए, मैंने दो तरीके का कपड़ा यूज़ किया। एक हमारा जो है नेट का कपड़ा है, दूसरा जो कपड़ा है वो हमारा मेन कपड़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर वाले कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े को हम इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। लंबाई जितना भी है आप उसमें आप एक इंच प्लस करके लंबाई ले लें। तो स्किन पे देखिए मैंने मेजरमेंट को शेड कर दिया। इसी मेजरमेंट को लेते हुए हम यहाँ पे पूरी मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर की मार्क करेंगे। तो शोल्डर में यहाँ पे 6 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अमोल मार्क करेंगे। तो अमोल मैं 6.5 इंच रख रही हूँ। मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बोटनेक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। अगर आप बोटनेक के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे तो आप 5.5 इंच इसका शोल्डर रखें। अब देखिए चेस्ट जितना उसमें आप 4 से डिवाइड करके 2 इंच लूजिंग रख लें। तो मेरा 9 इंच आ रहा है, 9 इंच में मैंने 2 इंच लूजिंग रख लिया है। तो 11 इंच में मैंने टोटल यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब हम नीचे इस तरीके से एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले रहे हैं और नहीं कम मार्जिन ले रहे हैं। अब एक बार फिर से मेजरमेंट को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कहीं भी आपको कपड़ा छोटा या बड़ा ना हो, उस हिसाब से मार्क कर ले। अब हम यहाँ पे 1 इंच की गहराई देते हुए यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो सिंपली हमारे यहाँ पीछे वाला पल्ला तैयार हो चुका है, इसे हम कट कर लेंगे। इसी की मदद से हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं इसे कट करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब हम पीछे वाले पल्ले को इस तरीके से रखेंगे आगे वाले पल्ले की कटिंग करने के लिए। नीचे से हम लगभग में 1 इंच जितना कपड़े को एक्स्ट्रा ले लेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे अंदर कपड़ा उसके लिए मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब आर्म होल को जितना मार्किंग है सेम उसी तरीके से मार्क कर ले। अब हम यहाँ पर 1 इंच जितना कपड़ा यहाँ से जहाँ से ओपन है उस साइड से हम एक्स्ट्रा लेंगे, जहाँ से हम फिटिंग वाली मार्किंग करते हैं वहाँ से आपको 1 इंच जितना कपड़े को एक्स्ट्रा ले लेना और एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। ऊपर से टक्स पॉइंट हम लेंगे 10 इंच पे इस तरीके से, 10 इंच पे मार्क कर लेंगे देखिए कुछ इस तरीके से। फिर नीचे से आपको 4.5 या 4 इंच जितना आपको आएगा, जितना भी आपको आता है इस तरीके से आप स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर ले। उसका जिस साइड ओपन साइड पे आप 1 इंच पे मार्किंग करें और ऊपर की ओर हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। और जिस साइड से हमारा कपड़ा फोल्ड है वहाँ से हम 1/2 इंच पर इतना मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम प्रिंसेस शेप की मार्किंग करते हैं सेम उसी तरीके से इस तरीके से लाइन को मिला देंगे। इस तरीके से मार्किंग देने के बाद अब हम जो आर्म होल की साइड है वहाँ पे इस तरीके से हल्का हल्का शेप देना स्टार्ट करेंगे, आकार देंगे। यानी कि जैसे प्रिंसेस शेप कट में आकार देते हैं सेम उसी तरीके से आकार दे देंगे। अब हम यहाँ इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। कटिंग करने के बाद इस तरीके से हम इसका अंदर का पीस निकाल के फेंक देंगे, जो छोटू सा है उसका हम कोई यूज़ नहीं करना हमें। और इसके बाद जब आप सिलाई करोगे तो ये एकदम बराबर आ जाएगा। तो मैं सिलाई करते टाइम आपको दिखाऊँगी। अब आपको फ्रंट और बैक दोनों को इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे मार्किंग करना है गले की। उसके बाद हम स्लोप कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ और 1/2 इंच जितना हम यहाँ पे स्लोप को डाउन करेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो अब हम इसमें से बैक वाला पल्ला हटा लेते हैं। अब हम यहाँ पर फ्रंट वाले पल्ले की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो गले की जो गहराई हम यहाँ पर रख रहे हैं वो हम 6 इंच रख रहे हैं और जहाँ से आर्म होल है वहाँ से हम 4 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इन दोनों लाइन को हम देखिए कुछ इस तरीके से शेप दे देंगे हल्का सा कर्व देते हुए। तो ऊपर जो पल्ला है उसको हम नेट पे कट करेंगे, जो नीचे वाला पल्ला है उसे हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो ऊपर में हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक देखिए मैं यहाँ पे 3 इंच गहरा रख रही हूँ और 3.5 इंच की चौड़ाई है।
इस तरीके से हल्का देते हुए कर्व शेप में लाइक बोट शेप देते हुए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो इसे मैं बोट शेप के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से राउंड शेप भी या फिर किसी और भी डिज़ाइन में इसे मार्क कर सकते हैं। तो देखिए ये जो कपड़ा है वो हम मेन नेट पे कट करेंगे, जो नीचे वाला कपड़ा है वो हम मेन कपड़े पर कट करेंगे। तो किस तरीके से कटिंग करते ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से राउंड शेप आएगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो कपड़ा है वो हम नेट पे कट करेंगे इस वाले को, बड़े वाले जो पीस उससे मेन कपड़े पर कट करेंगे। सेम इसी तरीके पीछे वाले पल्ले में मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 3.5 इंच चौड़ा था, गहराई इसका हम 3 इंच रखेंगे, इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये हमारा नेक है, गला का जो गहराई है वो है, इसमें भी हम हल्का सा बोट शेप के अकॉर्डिंग इसमें मार्क कर लेंगे। अब देखिए जो गले की जहाँ तक हमारे नेट लगाना उस हिसाब से मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 9 इंच मार्क कर रही हूँ, ये देखिए 9 इंच पर आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। और जहाँ से आम होल वहाँ से यहाँ पर आपको 4 इंच पर मार्क कर लेना है। और आपको हल्का हल्का इस तरीके से राउंड शेप देते हुए कर्व दे देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से चौक को घुमाना, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से मार्क कर लेनी है। अब देखिए जो नीचे वाला पल्ला है उसे हम नेट मेन फैब्रिक कट करेंगे, और जो ऊपर वाला पल्ला है वो हम नेट के कपड़े पर कट करेंगे। तो किस तरीके से मेन कपड़े और नेट के कपड़े पर कटिंग करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी, और साथ ही इसकी सिलाई भी बताऊँगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप अच्छे से प्रोसेस को समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर देखिए मेरा मेन कपड़ा जो है इस तरीके से हम इसे बिछा लेंगे, और जो अस्तर का कपड़ा नीचे वाला था उस पर हम इस तरीके से रख के ट्रेस कर लेंगे, यानी कि जो हमारी सेम मार्किंग है उसी मार्किंग में मिला के इसे कट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। जो आगे वाला पल्ला उसमें भी हम इस तरीके से कपड़े को रख के सेट करके कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने कटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले पल्ले को तैयार करेंगे, उसको फिनिशिंग देंगे, उसके बाद हम ऊपर वाले पल्ले की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सिलाई दे देनी है, एकदम बराबर रख के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें है उसे आप कट करके बाहर निकाल दें। सिलाई करने के बाद हम यहाँ पर छोटा छोटा इस तरीके से कट दे देंगे, ताकि हम इसे ईजिली पलट सकें, और इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आए, इस वजह से आपको यहाँ पर हल्का हल्का कट दे दें। उसके बाद इस तरीके से आप इसको पलटी कर लें। तो पलटी करने के बाद इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम यहाँ पे जो नेट वाला कपड़ा उसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो नेट वाले कपड़े की कटिंग मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। तो देखिए जो ऊपर का पल्ला बचा हुआ था उसे हम सबसे पहले नेक की कटिंग कर लेंगे, गले की यानी कि कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब जो हमारे पास कपड़ा बचेगा इस कटिंग को हटा देंगे, ये जो हमारे पास कपड़ा है इसमें हम नेट कट करेंगे। तो इसी को आपको सेम नेट के ऊपर इस तरीके से रख लेना है एकदम बराबर करके, और कटिंग करते इसमें ध्यान दें कि नीचे की तरफ आपको थोड़ी थोड़ी मार्जिंग होनी चाहिए, एक्स्ट्रा मार्जिंग, उस हिसाब से आप कटिंग करें। तो उसके बाद यहाँ से हम देखिए कटिंग कर लेंगे इस तरीके से रख के इसको बराबर करके। आप यहाँ पर थोड़ा मार्जिंग लेकर चलें, ताकि आप जब सिलाई करो तो उसमें भी आपकी सिलाई में जो दबेगा कपड़ा उस हिसाब से मार्जिन ले ले आधा इंच का। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े को सिल लिए। अब इस कपड़े का कोई यूज़ नहीं है, नेट का हम यूज़ करेंगे, ये जो कपड़ा हमारा वो ख़राब है, फेंक देना है इसको आपको। अब देखिए जो ऊपर का गला था उस पर ऊपर आपको इस तरीके से रखना है, कुछ जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको मेन वाले कपड़े को एकदम ऐसे बराबर रखना है, उसके बाद इस पर आप पिन लगाना चाहें तो पिन लगा लें, या फिर आप डायरेक्ट सिलाई करना चाहते हो डायरेक्ट सिलाई कर लें। पिन लगा के सिलेंगे तो आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसमें सिलाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे सेट कर लें एकदम बराबर रख के, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इस पर रख के सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सिलाई कर दी है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें बढ़ रहा है वो हम कट करके बाहर निकाल देंगे। तो अब देखिए आप यहाँ पर मैंने मेन कपड़े और अस्तर को एक दूसरे से अटैच कर लिया। उसके बाद हम जो साइड का प्रिंसेस कट के जो साइड का पल्ला होता है उसे हम इस तरीके से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको गले के साइड से सिलना स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको नीचे आना। इससे क्या होगा कि आपका जो कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है वो छोटा बड़ा नहीं होगा, अगर आप नीचे से सिलना स्टार्ट करेंगे तो वो कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें। आपको इस तरीके से इसमें जैसे हम साइड का पार्ट को जोड़ते हैं हिस्से को, सेम उसी तरीके से इसमें जोड़ लेना है। सिलाई करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो देखोगे इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी, जब आप पहनोगे तो इसे इसकी फिटिंग भी काफ़ी परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से आपको अटैच कर लेना है।
दोनों साइड के पल्ले को जोड़ देना, जैसे मैंने आपको एक पल्ला जोड़ के दिखाया सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड का भी पल्ले जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों साइड के पल्ले को अटैच कर दिया है। अब हम गले की फिनिशिंग देंगे। तो गले की फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर और एक पट्टी नेट का ही कट कर लिया। उसके बाद जैसे हम और फिनिशिंग देते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग देना है। तो मैं आपको फिनिशिंग दे के भी दिखाती हूँ। उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा उसे आप कट करके बाहर निकाल दें। अब देखिए हमने कपड़े को ऊपर की ओर लगाया था, अब हम इसे टर्न करके अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और एक पाइपिंग की तरह इसमें लुक देंगे। जैसे हम पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरीके से में इस तरीके से फिनिशिंग देंगे। तो आपको दोबारा कपड़े को फोल्ड करके अंदर की ओर इस तरीके से सिलाई कर देना है। जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको सिलाई करनी है। इससे आपकी पाइपिंग की तरह लुक बन के तैयार हो जाएगा। गले की फिनिशिंग देने के बाद इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। और ये इसका कप भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है आगे का, तो पहनने में काफ़ी अच्छी फिटिंग देगी। सेम इसी तरीके से आपको पीछे वाले पल्ले को भी तैयार कर लेना है। तो मैं आपको पीछे वाले पल्ले ही तैयार करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए पीछे वाले पल्ले को भी मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पर डॉट लगा दिया, दो प्लेट्स डाल दिया है। अब हम इसे बीचों बीच से इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे पीछे वाले पल्ले को, क्योंकि हम यहाँ पे आई हुक का बटन बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे साइड का चैन भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आई हुक की पट्टी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसे बीचों बीच इस तरीके से हम कट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो आई हुक की पट्टी मैंने बहुत सारे अपने ब्लाउज़ की वीडियो में बताया है किस तरीके से लगता है। अगर आपको नहीं लगाने आता तो आप जाकर ज़रूर मेरा वीडियो चेक कीजिएगा। सिंपली इस तरीके से हम यहाँ कट कर लेंगे इसे बीचों बीच से सेंटर से। अगर आप चाहें तो साइड में से चैन भी लगा सकते हैं। तो इसे देखिए मैंने यहाँ पे बीचों बीच कट कर लिया। अब हम यहाँ पे आई हुक की पट्टी लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े का आई हुक का पट्टी तैयार कर लिया है और इसे अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट और बैक वाले पल्ले को एकदम सीधे सीधे रखेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमारा सीधा है, मतलब नीचे से भी सीधा है, ऊपर साइड से भी सीधा है। और इसका सबसे पहले हम यहाँ पर कंधा अटैच करेंगे। इस तरीके से अगर आप कंधे को अटैच करते हैं नेट के फैब्रिक में तो उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब आपको कपड़े को उल्टा कर देना है एक बार इस तरीके से, और एक सिलाई और दे देनी है कंधे पे। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी, ना ऊपर से धागा दिखेगा ना ही नीचे से हमारा कपड़ा दिखेगा। तो सेम इसी तरीके से आपको अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे कपड़े को मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया था कि मुझे चाहिए 12.5 इंच, तो यहाँ पर टोटल 12 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ हल्का सा पट्टी लगा के इसे अटैच कर लूँगी और जो नीचे वाला कपड़ा उसे फोल्ड करके यहाँ पर टोटल तैयार कर लूँगी 12.5 इंच पे। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े को नीचे फोल्ड करके 12.5 इंच पे तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग के लिए देखिए मैंने लंबाई में कपड़ा 9.5 इंच लिया है, चौड़ाई में इसका कपड़ा हमने 12 इंच लिया है। 9 इंच हमें चाहिए, 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ 3 इंच, क्योंकि हमें यहाँ पे चुनटे डालना है। तो चुनटे डालने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। अब जिस साइड से हमारा कपड़ा ओपन है वहाँ से हम 3.5 इंच में मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और उसके बाद स्लीव का आकार देते हुए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ से हमारा कपड़ा ओपन है वहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 3.5 इंच भी हमने यहाँ पर मार्क किया। अब देखिए ये कपड़ा हमारा मार्किंग हो गई है। अब नीचे के हम यहाँ पे जो हमारी बाजू की फिटिंग वो लेंगे, तो हमें चाहिए 5 इंच। मैं यहाँ पर 8 इंच मार्क कर रही हूँ, 3 इंच एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ। ऊपर से भी मेरा 3 इंच ही एक्स्ट्रा था, नीचे से भी हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे और इस तरीके से कुछ मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ देखिए दो स्लीव हमारे कट हो चुका है। अब इसमें से दो पल्ले को आपको उठाना और हल्का हल्का यहाँ पे छटाव देना, यानी कि जो तालम कट करते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे गहराई दे देना है दो बाजू उठाकर। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। अब हम स्लीव को अटैच करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम फिटिंग देंगे। तो स्लीव को अटैच करते समय आप ध्यान दीजिएगा जितना हमारा कपड़ा हमारे कपड़े में अटैच है वो कपड़ा मेन कपड़ा वहाँ पे हम नेट अटैच करेंगे, और जहाँ तक हमारा नेट है वहाँ पे हम प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इतना ही हम कपड़े को प्लेन अटैच करना स्टार्ट करेंगे पहले। तो आप यहाँ पर हल्का हल्का पिन लगा लें ताकि आपको अच्छे से इसे सिलाई करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ आपको पिन लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको अटैच कर लेना है। जो मेरा मेन कपड़ा पसंद हो वही तक प्लेन अटैच करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा ये हमारा प्लेन कपड़ा है, यहीं पे हम नॉर्मल एकदम नेट को एकदम सिंपल जैसे अटैच करते हैं उस तरीके से अटैच करेंगे। अब यहाँ से जो कपड़ा स्टार्ट है उसे हम नेट में अटैच करेंगे।
उससे पहले हम मिड साइड में भी इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं ताकि जो हमारे पीस का सेंटर कपड़ा बचे उससे हमें पता चल जाए कि हमें कितना प्लेट्स में यूज़ करना है कपड़ा। ऐसा अगर हम एक साइड से अटैच नहीं करेंगे दूसरी साइड से अटैच करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा कपड़ा कितना कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हम पहले दोनों साइड में इस तरीके से पिन लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कपड़ा कितना एक्स्ट्रा है, जितना भी एक्स्ट्रा उसका बीस का हम सेंटर निकालेंगे पहले। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये नेट है, इसका हम बीस का इस तरीके से सेंटर निकालेंगे। ये देखिए जो कंधा वहीं से आपको ध्यान देना है कितना आपको बीस का, यहाँ पर हमारा बीस का सेंटर आ रहा है। यहाँ पर आप इस तरीके से चौक की मार्किंग दे दें या फिर कट का मार्क दे दें ताकि आपको पता रहे कि कितना कपड़ा इस साइड अटैच करना, दूसरे साइड का कपड़ा हमें दूसरे साइड में अटैच करना है। अब हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे, तो प्लेट्स हम यहाँ पे मैक्सिमम इस तरीके से बनाएंगे इक्वल एक बराबर दोनों साइड प्लेट्स हमारा है। तो हम यहाँ पर तीन प्लेट्स बनाएंगे। देखिए पहले प्लेट्स का मुंह मेरे साइड में जिस साइड हम फोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए इसका भी प्लेट्स का जो मुंह है वो हमारा जस्ट मेरी साइड है, जिस साइड हम मैं बैठ कर सिलाई कर रही हूँ सेम उसी उस साइड ही है। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए आपको कपड़े को तो बराबर कर लेना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे तीन प्लेट्स बना ली। अब देखिए जस्ट उसके अपोजिट यानी जो हमारे साइड से जिस साइड में बैठी हूँ उसके जस्ट अपोजिट साइड से मैं यहाँ पे प्लेट डाल रही हूँ दूसरे साइड में। यहाँ पर भी हमें तीन प्लेट डालना है, जैसे मैंने इसमें डाला है तीन प्लेट उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें तीन प्लेट को एडजस्ट करना है ताकि एकदम बराबर इक्वल हो जाए। तो इस तरीके से देखिए मैंने कपड़े को एडजस्ट कर दिया है। अब इसी के ऊपर आपको एक सिलाई दे देनी और उसकी फिनिशिंग तैयार हो जाएगी हमारी। तो मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर दिया है। अब हमें एक पट्टी चाहिए लगभग में 13 इंच, क्योंकि हमें चाहिए तैयार चाहिए 12 इंच, मैं यहाँ पे 13 इंच लेके चल रही हूँ। अब इस पट्टी को हमें कैसे अटैच करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए जो प्लेट्स है उसी प्लेट्स को आपको पकड़ लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी आपको पिन लगाते हुए चलना है। यानी कि नीचे भी हम 6 प्लेट्स बनाएंगे जैसे कि हमने ऊपर में 6 प्लेट्स बनाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 6 प्लेट्स बनाएंगे, क्योंकि नीचे का जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हमने 3 इंच लिया था जितना हमने ऊपर में लिया था। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स डाल लिए, 6 प्लेट्स मैंने यहाँ पर डाला सारे कपड़े को पकड़ के। ऊपर वाले प्लेट्स के हम बराबर पकड़ते हुए प्लेट्स जब आप लगाओगे तो एकदम बराबर आ जाएगा। अब देखिए जो पट्टी हमने लिए थी 2 इंच चौड़ी और 13 इंच लंबा, उसे हम इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे यानी कि जोड़ देंगे दूसरे में। उसके बाद इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको एक बॉर्डर की तरह पट्टी को तैयार करना है, जैसे हम बॉर्डर तैयार करते हैं सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर बॉर्डर की तरह तैयार कर लेना है और इसमें एक दूसरे के साथ अटैच कर देना है, जिससे इसका लुक हमारा जब हम पहनेंगे तो उसका बॉर्डर की तरह लुक इसका देखने में आएगा। सो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरी स्लीव तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फिटिंग की जो सिलाई है उसे हम दे देंगे। पहनने के बाद इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।